नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट एपिसोड जो था हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें हम लोग डायोड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हम लोग देख रहे थे और उसमें डायोड करंट हम देख रहे थे, एवरेज करंट क्या आएगा उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि ये जो पीरियड आएगा, स्मॉल पीरियड डेल्टा टी, ये क्या आएगा, विच इज़ दिस, डेल्टा टी इज़ दिस, वन अपॉन ओमेगा रूट टू वी पीक टू पीक रिपल बाई वी एम, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा हमने देखा कि हमने देखा था कि हमारे पास जो ये डिफरेंस आएगा ये क्या आएगा, ठीक है ना, ये जो डिफरेंस था ये क्या था, तो ये हमने निकाला था वी एम टी बाई आर सी, ठीक है जी। अब सुनिए, अगर मैंने बोला था कि कैपेसिटर का जो एवरेज करंट होगा, ठीक है, जो कैपेसिटर का एवरेज करंट आएगा वो क्या आएगा मेरा, जीरो। क्यों भाई जीरो बताओ, बिकॉज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मेरी पीरियोडिक थी, सही है, इसलिए इसका जो एवरेज करंट था वो हो गया जीरो। तो जो भी डायोड का एवरेज करंट आएगा सारा का सारा किस में जाएगा, रजिस्टर में। अब रजिस्टर का एवरेज करंट अगर मैं निकाल दूं तो वही मेरा डायोड का एवरेज करंट होगा, क्या कहते हैं। और रजिस्टर का एवरेज करंट निकालने के लिए रजिस्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज चाहिए, और वोल्टेज का वेवफॉर्म मैंने ये बना दिया आउटपुट वोल्टेज का, थोड़ा ट्रायंगुलर टाइप दिखाया मैंने, बिकॉज आर सी इज वेरी लार्ज, तो मैं इसको अज्यूम कर सकता हूँ ये ट्रेंगुलर वेव होगी। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, अब निकाल सकता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि मुझे अब ये टाइम भी पता है और मुझे ये टाइम भी पता है, ये है डेल्टा टी और ये है टी माइनस डेल्टा टी, क्या कहते हैं, सही है। तो अब जरा देखिए कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है, मैं इसको रब कर दूं भाई, चल इसको रब कर लूँ, देखिएगा अब एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं, जरा देखते हैं कितनी बनेगी। तो आप बताइए इसका एरिया कैसे निकालूं मैं, मुझे एक बात बताओ, ये हाइट मुझे पता है क्या, ये वाली हाइट, हाँ कितनी है ये बताओ, ये है वी एम माइनस वी एम टी बाई आर सी, ये हाइट तो पता है, इनटू में ये लेंथ कर दो टी माइनस डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है बताओ जरा, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है बताओ, है जी वन बाई ओमेगा रूट ऑफ टू टी बाई आर सी, सही है भाई, ये एरिया हो गया, प्लस ये एरिया क्या बनेगा, वन बाई टू इंटू, बोलिए दिस लेंथ वी एम टी बाई आर सी, ये लेंथ होगी, इंटू दिस लेंथ टी माइनस डेल्टा टी, क्या कहते हैं, ये एरिया तो ये वाला हो गया इस पूरे ट्रेंगल का, प्लस बोलिए क्या बनेगा, प्लस हाफ, ये जो डिफरेंस है ये कितना है, वी एम टी बाई आर सी, बोलो ना, मैं ये 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 निकालना चाहता हूँ, बेहतर होता ये पूरा ही ले लेते ना ये तो इसका मतलब ये क्या करता, ये मैंने टी माइनस डेल्टा टी क्यों लिया फिर, ये जो हाइट थी वी एम माइनस वी एम टी बाई आर सी थी, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरे टी से ले लो यार, नहीं समझे, क्योंकि तो पूरा यहाँ तक है, उसमें फिर ये ऊपर वाला ट्रेंगल ये जोड़ दिया, प्लस ये वाले ट्रेंगल का एरिया जोड़ दीजिए, ये वाला जो ट्रेंगल है, तो हाफ डेल्टा टी, हाफ वी एम टी बाई आर सी, तो हाइट होगी इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी, क्या कहता yes. सही है, तो आप बताओ क्या बनाइए, अगर मैं ये ओवरऑल एरिया आ गया वी एम माइनस वी एम टी बाई आर सी इंटू टी, प्लस बोलिए ये डेल्टा टी वाला कट जाएगा मुझे लगता है ना, ये वाला यहाँ पे नहीं, देख लो एक बार, डेल्टा टी वाला कट गया है, तो क्या बना बताओ जरा, ये हाफ बाई आर सी, ये टोटल एरिया डिवाइड बाई क्या कर दो, टाइम पीरियड, एवरेज कहाँ पे, टी स्क्वायर बचेगा, हाँ जी ठीक है भाई, टी स्क्वायर बचेगा, तो मैंने क्या किया बताओ जरा, उसके बाद मैंने क्या किया बताओ, डिवाइड बाई टी कर दिया, टी कैंसिल हो गया मेरा, तो क्या बना बताओ जरा, ये बना वी एम माइनस वी एम टी बाई आर सी, प्लस बोलिए वी एम टी बाई टू आर सी, तो क्या बना बताओ एवरेज वोल्टेज, वी एम माइनस हाफ वी एम टी बाई आर सी, ये आ गया दोस्तों,
ये मेरी एवरेज वैल्यू आ गई है, ठीक है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज आई है। तो एवरेज करंट क्या आएगा, एवरेज करंट आई नोट मतलब ये वाला करंट है, ठीक है, ये क्या बनेगा, Vm by R 1 माइनस 1 by 2 T by RC, ये आएगा, ठीक है भाई। और ये अप्रोक्सीमेशन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये प्योर अप्रोक्सीमेशन है भाई, ठीक है, ये तब है जब RC इज मच मच ग्रेटर देन T। एक बात और देखिए, यहां से एक और चीज मुझे इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, क्या अगर आप ध्यान से देखें तो ये हाइट है मेरी Vm, लेकिन जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है बताओ जरा, Vm में से क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है, क्या चीज, डेल्टा, ये जो हाइट है रिपल वोल्टेज पीक टू पीक उसका हाफ नहीं। अब बताओ अगर मैं रिपल वोल्टेज प्लॉट करने की कोशिश करूं, रिपल वोल्टेज VRT, अगर मैं रिपल वोल्टेज प्लॉट करूं तो रिपल वोल्टेज क्या बनेगी बताओ जरा, वो क्या होती है, जो मेरे पास टोटल वोल्टेज की वेवफॉर्म है उसमें से क्या कर दो, एवरेज निकाल दो, माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो ट्रायंगुलर वेव बचेगी बस, लेकिन ट्रायंगुलर वेव का कुछ नीचे वाला हिस्सा बचेगा और कुछ आपका ऊपर वाला हिस्सा बचेगा, नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा बराबर, क्योंकि ये डिफरेंस अपने को पता है, और नीचे वाला डिफरेंस भी पता है, ऊपर वाला डिफरेंस भी पता है, तो सही है। तो आप बताओ क्या बनेगी, ध्यान से बताना भाई, बोलिए ना, गलत बना दिया है जी, इस तरह की वेव नहीं बचेगी भाई, बोलिए, और ये जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा बता सकते हो, यहां से लेके यहां तक पीक टू पीक रिपल है ये, तो आधा उससे ऊपर है आधा उससे नीचे है, नहीं समझे, देखो ना ये एवरेज वाली, देखो ना यार कहां पे है एवरेज वाली, ये जो हाइट है ये कितनी है, ये है Vm माइनस हाफ Vm T बाई RC, लेकिन ऊपर वाली तो Vm है ना, तो इसका मतलब ये जो हाइट बचेगी ऊपर वाली, ऊपर वाला जो कैप बचेगा वो कितना बचेगा, Vm में से माइनस कर दो एवरेज, Vm हाइट तो ये वाली थी उसमें से एवरेज वाला माइनस कर दो, ऊपर वाली कैप आ गई। सिमिलरली नीचे वाली कैप कैसे निकालोगे, ये वाला डिफरेंस पूरा हमारे पास, ये हाइट अपने को पता है उसमें से नीचे वाली हाइट ये भी पता है अपने को, तो माइनस कर दो, तो बेसिकली Vm T बाई 2 RC ऊपर है, Vm T बाई 2 RC नीचे है, ये मेरी ट्रायंगुलर वेव बनेगी रिपल वोल्टेज। अब इस रिपल वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, इसके अब आरएमएस वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगी, ट्रायंगुलर की आरएमएस वैल्यू आनी चाहिए बस आपके, ठीक है, हो जाएगा मुझे लगता है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो, और एवरेज डायोड करंट हमने निकाल दिया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एवरेज डायोड करंट क्या आएगा वो मैंने बता दिया, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ सकते हैं, चले भाई नेक्स्ट, जरा देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, एक और चीज देखिए, अब अगर मुझे पीक डायोड करंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पीक डायोड करंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो भी जरा देख लेते हैं एक बार, ठीक है, पीक डायोड करंट उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो देखते हैं। अच्छा अगर ये डायोड आइडियल ना होता तो जहां जहां आपने Vm लिया है वहां पर क्या लोगे, Vm माइनस 0.7, ठीक है ना। अच्छा अब जा देखिए एवरेज डायोड करंट तो हमने देख लिया, पीक डायोड करंट देखते हैं, पीक डायोड करंट क्या आएगा, ये मेरी इनपुट वोल्टेज थी, और बेहतर होगा इसको आप डॉटेड में बना ले, ये मेरी इनपुट वोल्टेज थी दोस्तों, सही है जी। अब सुनिए, अब ऐसी मेरे पास आउटपुट वोल्टेज आई थी, ऐसे था ना कुछ, कुछ इस तरह का आया था, ठीक है, कुछ इस तरह का मेरे पास आउटपुट वोल्टेज आया था V0T,
ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें इस इंटरवल में, ये जो डेल्टा टी वाला जो इंटरवल है मेरा, डायोड केवल इस इंटरवल में कंडक्ट करेगा, सही है। और इस इंटरवल में इसमें जो करंट आएगा वो एक तो इसका करंट होगा और एक इसका करंट होगा। मतलब अगर मैं बोलूं ड्यूरिंग डेल्टा टी जो आई डी टी होगा दैट विल बी इक्वल टू आई सी टी प्लस आई नोट टी, क्या कहते हैं, सही है। अब जरा ये निकालते हैं आई सी टी क्या होगा और आई नोट टी क्या होगा। इक्वेशन क्या है बताओ जरा, ये क्या इक्वेशन है बताओ जरा। अगर मैं यहां पे ओरिजिन मान लूं तो कोसाइन वेव है, तो इसका मतलब है कैपेसिटर का करंट क्या होता है, 1 बाई सी ना, सी डी वी बाई डी टी होता ना, सी डी बाई डी टी हो, बोलिए क्या लिखूं, वीएम कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर मैं ओरिजिन यहां पे मान लूं तो वीएम कॉस ऑफ ओमेगा टी, और टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस डेल्टा टी, यहां वाला टाइम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस क्या बनेगा बताओ जरा, वीएम कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई आर, क्या कहते हैं, ये वोल्टेज बनेगा आई डी टी, आई डी टी करेक्ट है भाई, बोलिए। अब मुझे क्या पुट करना है बताओ जरा, यहां पे मुझे तो बताओ, यहां पे इसका डेरिवेटिव देखो ना, तो पहले तो ये बताओ इस पॉइंट पे क्या करंट जीरो से स्टार्ट होगा क्या डायोड का, ना, क्यों नहीं होगा जीरो से स्टार्ट, क्योंकि एक तो इसकी वैल्यू है कुछ ना कुछ पॉजिटिव। अगर t इक्वल टू माइनस डेल्टा t पे देखूं, एट t इक्वल टू माइनस डेल्टा t, मुझे पहले तो यहीं पे देखना ना करंट का, यहां से डायरेक्ट कंडक्ट करना शुरू कर रहा है, तो यहां इस पॉइंट पे करंट देखना पड़ेगा ना मुझे कितना होगा। तो इस पॉइंट पे अगर मैं करंट देखूं t इक्वल टू माइनस डेल्टा t पे, तो एक तो ये वाला तो होगा ही होगा vm बाई r cos ओमेगा माइनस डेल्टा t, तो cos ओमेगा डेल्टा t बन जाएगा, तो ये करंट तो होगा ही, प्लस में इसका स्लोप इन टू c, और इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव, इसका स्लोप वोल्टेज का क्या है यहाँ पे पॉजिटिव और इनटू सी, तो इसका मतलब वोल्टेज जो करंट आएगा डायोड का एकदम से वो क्या आएगा, अच्छा खासा लार्ज वैल्यू से स्टार्ट होगा। समझ आया मेरा पॉइंट, ये लार्ज वैल्यू से शुरू होगा, ध्यान दीजिएगा लार्ज वैल्यू से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, ये कम होना शुरू करेगा, क्यों कम होना शुरू करेगा, बिकॉज जो स्लोप है वो क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ये क्या शुरू होना शुरू करेगी बताओ जरा, ये बढ़ना स्टार्ट करेगी, ये आपका बढ़ना स्टार्ट करेगी, ठीक है ना, क्लियर हुआ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे क्या होगा, ये पीक पे जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जीरो नहीं आएगा इस पॉइंट पे। मैंने आपको बताया था डायोड जो है वो कुछ आगे तक कंडक्ट करता है, समझ रहे हो, तो असल में थोड़ा सा आगे तक आएगा भाई, पॉइंट को समझिए, इस तरह की पल्स आएगी करंट की, इस तरह की पल्स आएगी। बट मेरा मैं इंटरेस्टेड हूँ इस पीक को जानने में, इस पीक को जानने में, समझ आया भाई, बोलिए क्या कहते हैं, क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे पीक, ये पीक करंट कैसे निकालोगे, पीक डायोड करंट कैसे निकालोगे, बोलिए पीक डायोड करंट कैसे निकाले। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में ही पीक आ जाए, शुरुआत वाला ही करंट ही पीक पे हो जाए, शुरुआत वाला करंट क्या होगा पहले तो यही बता दो, टी की जगह पे माइनस डेल्टा टी पुट कर दो तो बताओ क्या बनेगा, ये इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव बनेगा वीएम इंटू सी इंटू ओमेगा, बोलो कॉस का क्या बनेगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस वीएम बाई आर कॉस ऑफ ओमेगा टी, यही होगा ना भाई, ठीक है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, Vm बाहर ले लेता हूँ, 1 बाई आर कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा सी साइन ऑफ ओमेगा टी, ये मेरा क्या आ गया, करंट आ गया, ये तो करंट का एक्सप्रेशन आया आई डी टी का, लेकिन ये वैलिड कहाँ से कहाँ तक है, माइनस डेल्टा टी से लेके मैं जीरो तक देख रहा हूँ बस, माइनस डेल्टा टी से जीरो तक देख रहा हूँ बस, इनके बीच में देखना है, ठीक है, जीरो टाइम मैं इसको मान रहा हूँ भाई और माइनस डेल्टा टी यहां पे मान रहा हूं, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, जरूरी तो नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू इसी के बीच में कहीं पे हो, ऐसा हो सकता है कि मोनोटोनिकली डिक्रीज करे
या मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा हो और यहां पे जाके मैक्सिमम हो जाए जीरो पे, दोनों केस बन सकते हैं. तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव देखना पड़ेगा. ठीक है, वो आगे उससे आगे प्रोसीड करेंगे आप. ठीक है, तो खैर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ. ठीक है ना, मैं डेल्टा टी पे ही निकाल रहा हूँ इसकी वैल्यू. ठीक है, तो डेल्टा टी पे क्या वैल्यू बनेगी बताओ जरा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी डेल्टा टी पे बताओ. वी एम आई डी टी एट टी इक्वल टू डेल्टा टी, डेल्टा टी पे ही निकाल रहा हूँ. ठीक है, बोलिए भाई क्या बना. वी एम इंटू वन बाई आर कॉस ओमेगा डेल्टा टी, कॉस ओमेगा डेल्टा टी माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा डेल्टा टी. क्या कहते हैं, सही है भाई है जी, क्या कह रहे हैं, माइनस डेल्टा टी करोगे तो प्लस हो जाएगा ये, है ना. बोले भाई टी की जगह माइनस डेल्टा टी पुट करो ना यार, सही है. अब सुनो ये क्या बनेगा, कोस ओमेगा डेल्टा टी तो मुझे पता है इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या था, और हमारे पास आया भी था कोस ओमेगा डेल्टा टी. अगर आप ध्यान अप्रोक्सीमेट भी छोड़ो, एक्चुअल में ही आ गए तो वन माइनस क्या था है जी, टी बाय आर से यह आया था क्या, चेक कर लो एक बार, इसकी वाली यही आई थी मेरे ख्याल से. ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख दूं बताओ जरा, वी एम इंटू वन बाई आर इंटू वन माइनस टी बाई आर से, सही है भाई. ये तो कौन सा प्लस बोलिए, ओमेगा सी और साइन ओमेगा डेल्टा टी वेरी स्मॉल है तो नियरली इसको मैं ओमेगा डेल्टा टी ही लिख रहा हूं. ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू मुझे पता है, डेल्टा टी की वैल्यू बताओ क्या आएगी, डेल्टा टी इज वन बाई ओमेगा रूट ऑफ टू टी बाई आर सी. क्या कहते हैं, ओमेगा से ओमेगा कट गया. ठीक है, तो अब जरा देख लो ये क्या बना, वी एम वन बाई आर माइनस टी बाई या 1 by r 1 minus t by r c plus omega c root of 2 t by r c, ये बनेगा. ये मेरा कहां पे आएगा बताओ जरा, डेल्टा t टाइम पे आ जाएगा, सही है भाई. और ज्यादातर केसेस में यही मेरा मैक्सिमम करंट होगा, क्यों, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है ना मेरी यहां पे वो बड़ी लार्ज है, तो जनरली इसी पॉइंट पे मैक्सिमा आता है. वैसे बीच में भी आ सकता है, डिपेंड करता है. ठीक है ना, बट मेरे को बीच वाला फिर उसके लिए लंबा काम करना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ भाई यही मेरा मैक्सिमम करंट होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको. ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह, असल में जरूरी नहीं है ये पॉइंट मैं आपको बताऊँ तो वो आपको एग्जैक्टली तो फिर यहीं से करना पड़ेगा. ठीक है, बट आप मुझे एक बात बताओ जरा, किस पे डिपेंड कर रहा है मैक्सिमम करंट, ये भी तो देखो ना. डिपेंड कर रहा है इसके एक तो स्लोप पे और एक इस पे. अगर ये तो कांस्टेंट ही अप्रोक्सीमेटली आप ये बोल सकते हो, ये तो वी एम बाई आर के अराउंड ही है ये तो, क्योंकि ये ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है इसमें. तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा बताओ जरा, स्लोप पे डिपेंड करेगा. जहां पे इसका स्लोप मैक्सिमम होगा वहीं पे डायोड का करंट भी क्या होगा मैक्सिमम. और स्लोप मैक्सिमम कहां पे होगा बताओ जरा, जहां पे बिल्कुल टच कर रहा है, बिल्कुल जहां पे क्रॉस कर रहा है वहीं पे तो स्लोप मैक्सिमम आएगा. इसका मतलब माइनस डेल्टा टी पे ही मैक्सिमम आएगा. तो इसलिए ये जो मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया ये वैलिड अप्रोक्सीमेशन है. समझ आया भाई, क्लियर है भाई. तो आप इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया. ठीक है ना, तो आप ये याद रखिएगा कि क्या बना है ये. ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं. चलिए, तो मैंने निकाला मैक्सिमम डायोड करंट क्या होगा, एवरेज डायोड करंट क्या होगा, एवरेज वोल्टेज क्या होगा. ठीक है दोस्तों, मैं रब कर दूं इसको. चलिए, तो ये था मेरा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस कर सकता हूं. ठीक है, देखिए अब ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये सारे धराशायी हो जाएंगे अगर आपने इनपुट वोल्टेज को ट्रायंगुलर ले लिया. ठीक है, क्योंकि सारे फॉर्मूले किसके लिए निकाले आपने, साइनसॉइडल के लिए. अगर ट्रायंगुलर वेव ले ली सब कुछ नए सिरे से करना है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए मैं जरा एक क्वेश्चन ले रहा हूं. ये मेरा डायोड है और ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरी वोल्टेज है.
VIT. और मैंने यहां पे कैपेसिटर लगा रखा है C. ठीक है भाई. R इज 10 किलो ओम एंड C इज 20 मिली फेरेड. 20 मिली फेरेड. अच्छा, VIT की वेवफॉर्म आपको दे रखी है. ऐसे ट्रेंगुलर वेव दे रखी है VIT. जीरो वन बाई फोर, वन बाई टू, थ्री बाई फोर, वन, फाइव बाई फोर, थ्री बाई टू, इस तरह से अभी टी इन सेकेंड्स, टी इन सेकेंड्स. और ये दे रखा आपको 20, ये है माइनस 20. ठीक है भाई, आपको इसकी अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यू बतानी है. फाइंड एवरेज, अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वैल्यू. एक तो ये बताना है एवरेज आउटपुट करंट, एवरेज करंट थ्रू रजिस्टर, थ्रू डायोड लिखो, एंड कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड, कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड, ये आपको बताना है भाई. ठीक है, दूसरा आपको बताना है रिपल वोल्टेज, रिपल वोल्टेज पीक टू पीक, पीक टू पीक, ये आपको बताना है क्या होगा. रिपल वोल्टेज बताना है पीक टू पीक, सही है. तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाइए किस तरह से विचार लगाओगे. तो विचार बड़ा सिंपल है. क्या यहां पे, पहले तो बताओ टाइम कांस्टेंट क्या, आरसी, आरसी क्या है, 10^4 इंटू 20 इंटू 10^-3 विच इज 200. और टाइम पीरियड क्या है, 1 सेकेंड. टाइम कांस्टेंट है 200 सेकेंड, टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड. इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, आर सी इज मच मच ग्रेटर देन टी. बिल्कुल सही है, अच्छा है, मजा आ गया. ठीक है, तो इसका मतलब मैं एक अजम्पशन ले सकता हूं कि यहां पे जस्ट क्या होगा, कंडक्शन बंद हो जाएगा और एक्सपोनेंशियली डिके करेगा ये, और उसके बाद फिर से ऐसे राइज करेगा, फिर से एक्सपोनेंशियली डिके करेगा. क्या कहते हैं, सही है, बोलिए. इस तरह का आएगा, ठीक है ना. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डिफरेंस आएगा ये कितना आएगा, ये देखें क्या. तो मुझे बताइए वीएम क्या है, सबसे पहले ये बताओ वीएम की वैल्यू तो 20 है, तो कैपेसिटर का जो डिस्चार्ज आएगा उसकी क्या इक्वेशन होगी, जिस टाइम यहां पे डायोड ऑफ हो चुका होगा, यहां से लेकर यहां तक डायोड ऑफ है तो इसका ये ओपन कर दो और कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होगा, तो कैपेसिटर की जो इक्वेशन बनेगी वीसीटी दैट विल बी इक्वल टू वीएम विच इज 20 ई की पावर माइनस टी बाई 200. ये बनेगी, सही बात है, ये इक्वेशन बनेगी भाई. अब मुझे निकालना है ये क्या होगा, यहां पे ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी. तो कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों, बोलिए ना, कैसे निकाले इसकी वैल्यू, बोलो. लास्ट टाइम जैसे किया था हमने, अगर मैं इसको है जी ओरिजिन मान लूं, ये लाइन की क्या इक्वेशन है बता सकते हो, डेल्टा टी, ये वाला है ना डेल्टा टी, यहां से आगे तक डेल्टा टी है, ये है मेरा डेल्टा टी, और यही कंडक्शन टाइम होगा डायोड का, ये डेल्टा टी निकाल लें. तो कैसे निकाले दोस्तों, बताइए ना, है जी पिछले केस में क्या किया था बताओ ना, किसको अप्रोक्सीमेट किया था, हाँ इसको हमने ऐसे लिखा था, टी की जगह पे क्या पुट कर दो बताओ जरा, कैपिटल टी माइनस डेल्टा टी कर दो ना,
कैपिटल टी तो ये है मेरा वन है यहां से यहां तक माइनस डेल्टा टी का, तो क्या बन गया है? बताओ जरा, 20 ई की पावर माइनस टी माइनस डेल्टा टी डिवाइड बाय 200। सही है, अभी बोलिए करेक्ट है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं, इसको बताओ, इसको मैं क्या लिखूंगा, 20 ई की पावर माइनस टी बाय 200, एक तो ये बन गया, इंटू ई की पावर डेल्टा टी बाय 200, क्या कहते हो? सही है भाई, बोलिए। लेकिन मुझे तो डिफरेंस चाहिए ना, तो डिफरेंस के लिए क्या कर दें, 20 माइनस कर दो, 20 तो ये था उसमें से माइनस कर दो ये वाला, ठीक है। तो क्या बन गया, ये तो अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाएगा, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बहुत स्मॉल आएगा ये। तो 20 कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस, ये बहुत स्मॉल है, ये जीरो के अप्रोक्सीमेट होगा, तो मैं इसको 1 बोल सकता हूँ। आप बोलोगे सर जीरो के अप्रोक्सीमेट क्यों, सुनिए ना जरा लॉजिकली सोचिए, अगर मैं बोलूं e की पावर नीचे है 200 और ऊपर क्या होगा, आप मुझे एक बात बताओ जरा, यहां से यहां तक 1/4 सेकंड है, तो इसका मतलब ये तो 1/4 से भी कम होगा, मैं इसको क्या ले लूं, 1/10 ले लूं, अज्यूम कर लो एक बार कि 1/10 ले लिया मैंने, तो e की पावर 1/10 और तो नीचे क्या बन जाएगा बताओ जरा, 2000, तो ये क्या होता है e की पावर 2000, 1/2000 निकाल के देखो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये तो अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा, मेन चीज है ये by 200, तो approximately क्या बन गया बताओ जरा, ये 20 into इसको approximate कर दो 1 minus t by 200 और 1 कट जाएगा मेरे ख्याल से t by 200, सही बात है, और 20 से ये कट गया कितना, नीचे 10 आ गया t by 10, ठीक है भाई। तो आप बोलो क्या बनाइए, t की वैल्यू क्या है बताओ, 1, तो ये 1/10 0.1 वोल्ट बनेगा, दिस इज 0.1 वोल्ट जो कि आपसे पूछा ही है, 0.1 वोल्ट अप्रोक्सीमेट आंसर देना था, 0.1 वोल्ट, सही है। अब अपने को चाहिए डेल्टा टी, कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड ये चाहिए। अब ये कैसे निकालोगे कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड बताओ, कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड, मैं रब कर दूं इसको, ठीक है, जरा देखिए कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड कैसे निकालेंगे। जरा पेज पलट के देखिए कैसे किया था हमने, ये इक्वेशन क्या है बताएंगे, इस लाइन की इक्वेशन, अगर मैं यहां पे जीरो मान लूं एक मिनट के लिए, अगर मैं इस पॉइंट को जीरो मान लूं तो ऐसी लाइन है, जीरो पे ये कितना है बताओ, 20 है नहीं, और ये जो टाइम है ये कितना है बताओ जरा, माइनस, ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/4, सही है, ये जीरो ये माइनस 1/4। अब मुझे एक बात बताओ जरा, इस लाइन की क्या इक्वेशन आएगी, अगर मैं इस लाइन के निकालूं, इस लाइन की क्या इक्वेशन आएगी, इसका स्लोप बताओ क्या है, 80 टी लिख दो फिर, और टी इक्वल टू जीरो पे क्या बनना चाहिए, ये 20, तो इसका मतलब प्लस 20, समझ आया भाई, ये लाइन की इक्वेशन होगी इसकी, अगर मैं यहां पे ओरिजिन मान लूं, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो ये आएगी। अब एक काम करो, टी की जगह पे क्या पुट कर दो, माइनस डेल्टा टी, तो 80 इंटू टी की जगह पे माइनस डेल्टा टी पुट कर दिया, क्योंकि मैं माइनस डेल्टा टी पीछे आके देख रहा हूं, ठीक है, प्लस 20, और ये जो वैल्यू बननी चाहिए इस लाइन की यहां पे वो क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 20 माइनस 0.1, तो इसका मतलब 19.9, क्या कहते हो? तो आप बताओ यहां से 80 इंटू माइनस डेल्टा टी क्या बना, माइनस 0.1, 20 माइनस उधर ले जाओगे ना, अब बताओ डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई, 0.1/80 सेकेंड, इसका मतलब 1/800 सेकेंड, तो आप देख लो कितना मिली सेकेंड आया, वो डायोड का कंडक्शन टाइम होगा 1.25 मिली एम्पियर, कितना आया, मिली सेकेंड, सही है भाई, 1.25 मिलीसेकंड, ध्यान दीजिएगा इस बार वो कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार लीनियर है, स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, ठीक है ना, तो इस बार स्ट्रेट लाइन का रूल लगाना पड़ेगा, इसका मतलब कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वेव फॉर्म बदल के दे सकता है आपको, ठीक है ना, कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको। एनीवे चलिए 1.25 मिलीसेकंड आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट जरा देखते हैं, अब क्या पूछा आपसे बताओ जरा, एवरेज करंट थ्रू द डायोड, तो एवरेज वोल्टेज निकाल देंगे,
एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या करोगे, इसको क्या मान सकते हो आप, स्ट्रेट लाइन, ये तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, और कुछ इस तरह का बन जाएगा, क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप बताओ यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक इसका एरिया क्या बनेगा, पहले नीचे वाला एरिया बता दो, ये वाला, ये हाइट कितनी है, 19.1 माइनस कर दो ना, तो 19.9 इंटू टी वन प्लस, बोलिए क्या होगा, 1 बाई टू इंटू पॉइंट वन इंटू दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है बताओ जरा, ये लेंथ है 1 माइनस डेल्टा टी, क्या कहते हो, पूरी लेंथ 1 है, उसमें से ये लेंथ चाहिए ना अपने को, ये एरिया चाहिए ना यार, ऊपर हाइट है 1.1, तो 1 बाई टू इंटू पॉइंट वन इंटू दिस लेंथ, ठीक है। अच्छा प्लस में बताओ, ये भी तो चाहिए, 1 बाई टू इंटू पॉइंट वन इंटू डेल्टा टी, अब ये वाला कट जाएगा इससे, ठीक है, तो क्या बना ये बताओ, 19.9 प्लस 0.05 डिवाइड बाई टाइम पीरियड 1, तो कितना बन गया बताओ जरा, 19.95 वोल्ट, दिस इज माई एवरेज आउटपुट वोल्टेज, डिवाइड बाय आर कर दो तो मिली एम्पियर में आ जाएगा कितना, 1.995 मिली एम्पियर, 1.995 मिली एम्पियर, ये करंट मेरा क्या होगा बताओ जरा, एवरेज करंट थ्रू द रजिस्टर, और यही मेरा एवरेज करंट थ्रू द डायोड आएगा, डायोड के थ्रू भी एवरेज करंट यही आएगा, सही बात है, अभी बोलिए कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ सकते हैं, चलो बहुत अच्छा, और क्या पूछा है बताओ, बस यही पूछा था, समझ आया भाई, आगे बढ़ सकते हैं, चलो। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से अगर आपका इस तरह का केस बन गया तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट आइए फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो आप हेडिंग डालिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है भाई। तो देखिएगा दोस्तों, पहले फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, तो आसान तरीका यह है कि दो डायोड ऐसे दिखा दो और दो डायोड फिर ऐसे दिखा दो, ब्रिज रेक्टिफिकेशन, ये दो तरह की होती है भाई, एक ब्रिज रेक्टिफिकेशन, एक आपका सेंटर टैप, ब्रिज रेक्टिफिकेशन या ब्रिज रेक्टिफायर आप बोल सकते हो, और एक सेंटर टैप, सेंटर टैप, ठीक है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम यूज करेंगे, तो मैंने इसको सेंटर टैप ही लिख दिया बस ऐसे ही, ठीक है। पहले मैं ब्रिज समझा रहा हूं, ब्रिज रेक्टिफिकेशन, तो दो डायोड ऐसे लगा दो, दो डायोड ऐसे लगा दो, अब ये जो पॉइंट है ऊपर वाले, ये पॉइंट होंगे मेरे एसी पॉइंट, सप्लाई पॉइंट, ये होंगे मेरे सप्लाई पॉइंट, और ये जो दो ये डायोड हैं, ये मेरे क्या होंगे बताओ जरा, ये मेरे लोड पॉइंट होंगे, आउटपुट पॉइंट, ठीक है। तो मान लीजिए मैं पहले रेजिस्टिव लोड ले रहा हूँ, आर लोड, आर लोड के केस में, ठीक है भाई, जरा देखते हैं क्या होगा। अच्छा एक बात और बताओ जरा, पिछले केस में जो डायोड वाला केस था, उस पिछले केस में अगर मैं केवल सी लगाता, आर ना लगाता, तो अगर मैं सिर्फ सी लोड लगाता तो क्या होता बताएंगे, हाँ उसके बाद जो वोल्टेज बनती है वो देखो ना कैसी बनती है, यहां तक वीएम तक चार्ज होगा, उसके बाद क्या होगा बताओ जरा, ऑलवेज क्या रहेगा, ये वीएम पे रहेगा, क्या कभी डायोड कभी फ्यूचर में कंडक्ट कर पाएगा, नहीं जी, क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा ना, अब कभी उल्टा करंट जा नहीं सकता इसे डिस्चार्ज होने के लिए, ठीक है, डिस्चार्ज होने का होता चार्ज उल्टा जाना, उल्टा इधर तो जा नहीं सकता, लोड नहीं लगा हुआ, कोई भी आर नहीं लगा हुआ, इधर भी नहीं जा सकता, इसका अंदर क्या रहेगा, वीएम तक रहेगा और उसके बाद कॉन्स्टेंट रहेगा और कभी भी डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, समझ आया भाई, अगर मैं सिर्फ कैपेसिटर लगा रहा हूं, और अगर इंडक्टर लगा दूं तो
इंडक्टर लगा दूं तो? अगर आप इंडक्टर लगा दोगे ना, ऑलवेज कंडक्ट करेगा, यह करंट की वेव शेप आएगी, आप चेक करके देख लीजिएगा, और आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो यही बनेगी, ऑलवेज कंडक्ट करेगा, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज ही आएगी। अगर आपको ये देखना हो तो ये हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस किया है, ठीक है, बट क्योंकि एनालॉग में इंडक्टर वाले टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बट आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कैसे करंट कभी नेगेटिव नहीं हो रहा ना, इंडक्टर कभी करंट को खत्म नहीं होने देगा। आप बोलोगे क्यों सर, यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे ऑफ हो सकता है, इस पॉइंट पे वोल्टेज देखोगे पॉजिटिव आ जाएगी फिर से, समझ रहे हो, पिछली वाली वोल्टेज पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव आते फिर से ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, फिर से करंट जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये टू पाई है, ये पाई है, तो जीरो पाई, ये टू पाई। अच्छा एक बात और देखो, पाई पॉइंट पे वोल्टेज जीरो है, इसका मतलब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी क्या आएगी, जीरो, तभी तो करंट मेरा क्या है बताओ, मैक्सिमम है, क्यों, क्योंकि जिस टाइम करंट का, जिस टाइम वोल्टेज का मैक्सिमा आएगा उस टाइम करंट का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा मैक्सिमम आ रहा है ना, ये है VLT, ठीक है, अब ये VLT मैक्सिमम, एक मिनट, नहीं नहीं, जब करंट का मैक्सिमा आएगा उसी टाइम तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, जीरो, क्योंकि जहां पे करंट का मैक्सिमा होगा उस टाइम उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, जीरो, और डेरिवेटिव जीरो बनेगा तो वोल्टेज भी जीरो बनेगी। तो आप सोचिए जिस टाइम ये जीरो होगा, इस टाइम इसका मतलब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो, तो इसका मतलब करंट का क्या होगा उस टाइम मैक्सिमा, तो ये पाई पॉइंट पे ये होगा, समझ रहे हो। आप बोलोगे सर नहीं मैथमेटिकली सोल्व करो, तो मैथमेटिकली बताओ क्या करोगे, करंट की इक्वेशन बना लो पहले, इनिशियल करंट आई जीरो प्लस वन बाई एल इंटीग्रेशन Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, जीरो से ओमेगा टी तक, और इनिशियल करंट जीरो पे जीरो है, ठीक है, तो इसको जीरो ले लो प्लस वन बाई एल Vm cos ओमेगा टी विद माइनस साइन जीरो से लेके ओमेगा टी तक, निकाल लो यही बनेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे सर सप्लाई वोल्टेज मेरी नेगेटिव हो गई है, सप्लाई वोल्टेज नेगेटिव जरूर हो गई है, बट करंट क्या है मेरा इस पॉइंट पे पॉजिटिव, तो क्या इंडक्टर ऑफ होने देगा डायोड को, ऑफ नहीं होने देगा, वो बोलेगा करंट सेम रखना है भाई, करंट वो एकदम से जीरो नहीं कर सकते हो, इसको कौन लगातार यहां पे करंट जीरो हुआ है, यहां पे इंडक्टर बोलेगा अब ऑफ हो सकता हूं मैं, लेकिन अब कौन ऑफ नहीं होने देगा, अब सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई बोलेगी अब तो मैं पॉजिटिव होगी भाई, ठीक है, अब तो मैं फिर से बढ़ गई, ठीक है, समझ आया। तो इसका अंदर ऑलवेज कंडक्ट करता रहेगा, कैपेसिटर में कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, इंडक्टर में ऑलवेज कंडक्ट करता रहेगा। और अगर मैं कैपेसिटर और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन लगाऊं RC पैरेलल में, तो आपका कुछ इंटरवल के लिए कंडक्ट करेगा, समझ आया भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर अकेला R लगा दूंगा तो वो हाफ वेव वाला केस बन जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट था भी, इसको आप देखिएगा, ठीक है, वापिस आते हैं अपने ब्रिज रेक्टिफायर पे, ठीक है, देखिएगा। तो मैं पहले R लोड लेके चल रहा हूँ भाई, मेरा रेजिस्टिव लोड मैंने ले लिया, ठीक है, इस तरह के मेरे पास डायोड है, ठीक है, दिस इज D1। मैं इसको अलग तरह से बना सकता हूँ, जरा देखना ऐसे, कुछ लोग इसको अलग तरह से भी दिखाते हैं, मतलब ये भी एक तरीका है जो खासकर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट मेनली इस तरह से इसको फॉलो करते हैं। ये जो पॉइंट है ये मेरे आउटपुट पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये मेरे इनपुट पॉइंट है, यहाँ पे मेरी सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है भाई, और ये R लोड है, ठीक है। तो अब सुनो, ये है मेरा D1, और इसको मैं नाम दे रहा हूं D1, और इसको नाम दे रहा हूं D2, नहीं D2 नहीं बोल रहा हूं, D4, उसको नाम दे रहा हूं D4, दिस इज D4, ठीक है, D1, D4, एक मिनट, गलत लिख दिया क्या D4 मैंने, D4 गलत लिख दिया, D4 मैं इसको बोल रहा हूँ भाई, दिस इज D4, एक मिनट जरा रुकिए, तो दिस इज D4, नहीं नहीं इसको D2 बोलूँगा, D1, D2, दिस इज D2, एंड D3, D4, D3 कौन सा होगा फिर, D3 ये होगा, D3, D4, यहाँ पे D3, D4 ये बन जाएगा, चेक करके देख लो, सेम कनेक्शन है,
ठीक है, सेम कनेक्शन है। आप बोलोगे नहीं सर, तो चलना शुरू करो ना यार, ठीक है, बिल्कुल ये यही कर, इसको वर्टिकल कर दो यार, है तो डी वन डी फोर एक ही लेग में आएंगे, डी वन डी फोर देखो यहाँ पे एक लेग है, और डी थ्री डी टू ये एक लेग में आएंगे, डी थ्री डी टू, ठीक है ना, वही चीज़ है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे या यहाँ पे किसी से भी देख लो आप, मुझे एक बात बताओ, ये जो दो डायोड हैं ऊपर वाले, या फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये दोनों डायोड डी वन एंड डी थ्री, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है बताओ, कॉमन कैथोड, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, एक को ही लेके चलते हैं अभी, दूसरे से आप खुद एनालिसिस कीजिए, ठीक है। देखिएगा ये दोनों डायोड आपके, इनका कैथोड कॉमन है, तो इसका मतलब डी वन डी थ्री जो है मेरे पास, ये है कॉमन कैथोड, कॉमन कैथोड। दूसरा डी टू डी फोर, ये है मेरे पास कॉमन एनोड, कॉमन एनोड। अब आप जानते हो कॉमन एनोड में कौन कंडक्ट करता है, जिसके कैथोड पे लोएस्ट वोल्टेज होती है, और कॉमन कैथोड में जिसके एनोड में हाईएस्ट वोल्टेज होती है, सही है। अब जरा देखें तो इनपुट वोल्टेज मेरे पास कुछ इस तरह की है, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, सिक्स पाई, ये ओमेगा टी है भाई, और ये है मान लीजिए वीएम, और ये है मेरा माइनस वीएम। अब मैं जरा आउटपुट वोल्टेज देखना चाह रहा हूं, वी नॉट टी, वी आउट टी, मैं जरा ये देखना चाह रहा हूं, ठीक है भाई। तो अब सबसे पहले जरा देखते हैं पहली हाफ साइकिल में, तो पहली हाफ साइकिल में जो वी आई टी है उसका ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव है, नीचे वाला हिस्सा नहीं, मतलब ऊपर वाला हायर है, नीचे वाला लोअर है, यही है ना वी आई टी, तो बोले ना, बोले अरे, तो इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव है, मतलब वी आई टी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हायर होगा ये लोअर होगा, ये हायर है ये लोअर है। तो अब बताओ इन दोनों में से कौन सा कंडक्ट करेगा, इन दोनों में से कौन सा कंडक्ट करेगा, डी वन कंडक्ट करेगा इसमें, ठीक है, तो डी वन शॉर्ट हो जाए, इन दोनों में से डी वन कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है बताओ, कॉमन कैथोड, तो जिसके ऊपर हाईएस्ट वोल्टेज होगी वो कंडक्ट करेगा डी वन, ठीक है, डी थ्री मेरा ऑफ रहेगा। सिमिलरली इनमें से बताओ कौन सा कंडक्ट करेगा, ये कॉमन कॉमन एनोड है, इनमें से लोवेस्ट वोल्टेज वाला कंडक्ट करेगा, इसका अंदर डी टू, तो इसका अंदर क्या होगा डी वन डी टू, डी वन डी टू, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपका डी वन डी टू कंडक्ट करेगा, इस रेंज में डी वन डी टू कंडक्ट करेगा, D1 एंड D2 ये ऑन होगा, ये ऑन होगा, D1 D2 ऑन होगा, सही है भाई, D1 D2 ऑन होगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब जो करंट होगा वो क्या होगा बताओ जरा, करंट का रास्ता अगर मैं दिखाऊं तो करंट का रास्ता देखिए, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ भाई, और यहाँ पे ब्लू में ही बनाऊंगा, जरा देखिए करंट ऐसे जाएगा, समझ गए होंगे, ये करंट जाएगा, ठीक है, करंट ऐसे जाएगा। अच्छा मुझे एक और बात बताइए, आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी बताओ जरा, और आउटपुट करंट दोनों देखते हैं, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट दोनों चीज देखते हैं, पाई रेडियन तक, हाँ जी आउटपुट वाली देखे, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है यहां पे कनेक्ट हो गया, नीचे वाला पॉइंट जो है वो इस डायोड के थ्रू यहां पे शॉर्ट हो रखा है, ऊपर वाला पॉइंट जो पॉजिटिव पॉइंट था वो तो यहां पे आ गया प्लस, और जो निगेटिव वाला पॉइंट था ये शॉर्ट हो रखा है डायोड, ये यहां से यहां पे आ गया, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगी बताओ जरा, सेम एज इनपुट वोल्टेज अगर आइडियल है तो, लेकिन अगर ये नॉन आइडियल होते तो बताओ क्या होता, 0.7 का ड्रॉप नहीं आता, 1.4 का ड्रॉप आता, क्यों, क्योंकि एक पाथ में दो डायोड है, ध्यान से देखिए, एक पाथ में दो डायोड है, और कंडक्ट करने के लिए जरूरी क्या होता,
इनपुट वोल्टेज किससे लार्ज होनी चाहिए थी? नहीं, 1.4 से लार्ज होनी चाहिए थी. क्यों भाई? क्योंकि अगेन दो डायोड ब्रो तो खुद ही खा जाएंगे 1.4, तो उसके बाद काम करना शुरू होगा. तो 1.4, तो इसका मतलब अगर ये प्रैक्टिकल होता तो जरा देखिए, ये मेरी इनपुट वोल्टेज होती तो कहां से कनेक्ट करना पड़ता? 1.4 वाली लाइन लगाओ पहले, यहां से यहां के बीच कनेक्ट करता तो आउटपुट वोल्टेज क्या आती फिर बताओ? फिर उस केस में यहां से यहां के बीच आउटपुट अपीयर होती, ठीक है? क्या होती बताओ जरा? ये जो वैल्यू होती है क्या होती? Vm माइनस 1.4, समझा? ये पीक वैल्यू होती. फिलहाल कितनी है? फिलहाल Vm है. और जरा देखो, जीरो यहां पे, पाई यहां पे, बीच में देखो खाली जगह. अगर प्रैक्टिकल होता तो इस तरह का होता, ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है? प्रैक्टिकल डायोड में इस तरह होता है. मैं रब कर दूं इधर वाली साइड को. हाँ, तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज इज सेम एज इनपुट वोल्टेज, क्योंकि ये शॉर्ट है और ये शॉर्ट है. ये नीचे वाले पॉइंट को यहां पे ले आएगा, ये ऊपर वाले पॉइंट को यहां पे ले आएगा. करंट इस तरह से. करंट क्या बनेगा? आउटपुट बाई आर. इसका मतलब इसको डिवाइड बाय क्या कर दो? आर कर दो. तो इसका मतलब क्या बनेगा बताओ जरा? करंट जो आएगा वो क्या आएगा? करंट मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ब्लू कलर से दिखाया इसको, तो करंट को ब्लू कलर से दिखा देता हूँ. हाँ जी, देखिए अभी करंट आएगा Vm बाई आर. ये मेरा आउटपुट करंट है, बट मुझे एक और करंट देखना है. कौन सा? सप्लाई करंट. मुझे IIT चाहिए, मुझे IIT चाहिए, ठीक है भाई? इनपुट करंट, IIT मतलब ये वाला करंट, ये वाला करंट, इनपुट करंट. अब सुनिए, तो इनपुट करंट क्या होगा बताओ ना? यही करंट घूम के आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो भी कैसा होगा? सेम ही होगा. तो मैं इसको थोड़ा सा, ये होगा Vm बाई आर, ठीक है? अब चलिए अब अगले हाफ साइकिल में देखते हैं. अब अगला हाफ साइकिल, ये पाई था, अब 2π तक देखते हैं, ठीक है? ये 2π है. अब अगले हाफ साइकिल में बताओ क्या होगा? ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया. अब बोलिए क्या होगा? अब कौन सा कंडक्ट करेगा? हाँ बताओ, इधर से D3, तो मैं रेड पेन से दिखा दूं इसको. D3 ऐसे गया नीचे, और ऊपर में क्या करेगा बताओ जरा? ऊपर में D4 आएगा भाई, और यहां से वापस चला जाएगा. समझ आया? तो रेड, रेड को ध्यान दीजिए, रेड को फॉलो कीजिएगा. लोड में ध्यान दीजिएगा, लोड में करंट कैसा है? लोड में सेम डायरेक्शन में है. लेकिन सोर्स में करंट कैसा हो गया? सोर्स में करंट उल्टा है, ठीक है? सोर्स में करंट उल्टा हो गया. अब सुनिएगा, आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी वो जरा देखते हैं. ध्यान से देखो, पॉजिटिव पॉइंट जो VIT का, ये पॉजिटिव पॉइंट था, ये अब कहां पे कनेक्ट है बताओ जरा? ये नीचे है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अब यहां पे कनेक्ट है, और जो नेगेटिव पॉइंट है वो ऊपर कनेक्ट है. इसका मतलब Vout इज इक्वल टू माइनस ऑफ VIT, क्योंकि VIT का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल था वो नीचे कनेक्ट है. इस बार रेड पेन को फॉलो करो ना यार, देखो जो जो पॉजिटिव पॉइंट था वो ऊपर से आगे और नीचे कनेक्ट है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है रेड पेन को के थ्रू ऊपर कनेक्ट है. इसका मतलब वी आउट इज इक्वल टू माइनस ऑफ VIT, क्योंकि VIT का उल्टा पोलैरिटी, VIT का ये पॉजिटिव पॉइंट नीचे आ रहा है. अब VIT तो नेगेटिव है, तो वी आउट क्या होगा? इसका नेगेटिव कर दो, क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है? तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज मेरी ये बनेगी अगले हाफ में. कौन कंडक्ट करेगा बताओ जरा? यहां पे D3 एंड D4 ऑन होंगे, D3 एंड D4 ऑन होंगे, सही है भाई? अच्छा करंट बताइए, I0T क्या आएगा बताओ? सेम वही आएगा, लेकिन जो सप्लाई करंट है वो क्या होगा बताओ जरा? अच्छा मैं इसको रेड से बनाता हूँ, क्योंकि इस बार आप रेड हाफ में दिखा रहे हो, तो मैं इसको रेड से बना देता हूँ, ठीक है? हाँ जी, सप्लाई करंट क्या आएगा बताओ जरा? माइनस ऑफ I0. इस बार पिछले केस में उल्टा हो गया, देखो जरा,
जो ये करंट आया था अब वो उल्टा करंट आ रहा है. लोड करंट ही सप्लाई करंट है बट वो उल्टा है इस बार. वो पोलैरिटी उल्टी हो रखी है, डायरेक्शन उल्टी हो रखी है. सही है, इस बार ऐसा आएगा. तो क्या सीखे आप यहाँ पे? बार बार मैं रिपीट करूंगा तो क्या होगा बताओ जरा. इसका होता ये इस तरह का बनता चला जाएगा. आउटपुट करंट भी इस तरह का, बट इनपुट करंट क्या बनता चला जाएगा बताओ जरा. प्योर साइन वेव, इनपुट सप्लाई भी प्योर साइन वेव थी, करंट भी प्योर साइन वेव आया. ठीक है, इनपुट सप्लाई भी प्योर साइन वेव थी, करंट भी मेरा प्योर साइन वेव आया. ठीक है भाई, बहुत अच्छा. और वोल्टेज और करंट ऐसा बनेगा, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर. अब क्वेश्चन है इसकी एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, रिपल वोल्टेज क्या आएगी. तो आप लिखिए आउटपुट एवरेज वैल्यू वी नॉट एवरेज क्या बनेगा, 2Vm/π. ठीक है भाई, नोट कर लो, ये बनेगा 2Vm/π. और आउटपुट की आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, Vm/√2. आरएमएस वैल्यू जो एसी सप्लाई होती है उसी की तो रेक्टिफाइड वर्जन है. तो जो एसी की आरएमएस वैल्यू आएगी वही रेक्टिफाइड की आरएमएस वैल्यू आएगी, Vm/√2. सही है, बहुत अच्छा. ठीक है, तो करंट भी आ जाएगा फिर तो आई नोट एवरेज क्या बनेगा, 2Vm/πr एंड आई नोट आरएमएस वो क्या बनेगा, Vm/√2r. सही है भाई, देख लीजिए एक बार. तो आउटपुट का आरएमएस करंट आ गया, एवरेज करंट आ गया. बहुत अच्छा, नेक्स्ट जरा देखते हैं रिपल वोल्टेज. ठीक है, तो अगर मैं इसमें से अगर माइनस कर दूं, क्या चीज, एवरेज वैल्यू माइनस कर दूं, तो जरा देखिए रिपल वोल्टेज कैसे बनेगी. मैं इसको अलग से इधर प्लॉट कर रहा हूं, वीआरटी रिपल वोल्टेज क्या बनेगी. अगर इसमें से इसका एवरेज माइनस कर दो, एवरेज क्या बताओ, 2Vm/π. एवरेज देखो पिछले केस से डबल आया ना. हाँ जी बताओ, इसको माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा, ऐसे नहीं बनेगी वेवफॉर्म. ये जीरो है, यहां पे पाई है, यहां पे 2π है. ठीक है, पीक टू पीक रिपल क्या है बताओ जरा, पीक टू पीक रिपल Vm. ये तो स्टिल Vm ही रहेगी, ये जो गैप था ये Vm था. ठीक है, हाँ तो अब सुनिए, तो मैंने बताया रिपल वोल्टेज क्या आएगी. अब आइए रेक्टिफायर एफिशिएंसी बताइए, रेक्टिफायर एफिशिएंसी एफिशिएंसी बोलिए भाई, जो मेरे पास आउटपुट लोड है उसको टोटल पावर कितनी मिल रही है बताओ जरा. इसके अक्रॉस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या है बताओ जरा, Vm/√2. तो Vm/√2 का स्क्वायर बाई आर, ये तो ओवरऑल पावर मिली है. लेकिन वोल्टेज का केवल जो डीसी कंपोनेंट है उसकी वजह से क्या पावर मिली है. डीसी कंपोनेंट क्या है, या डीसी करंट से निकाल सकते हो आप, 2Vm/πr का स्क्वायर इंटू आर, डीसी करंट का स्क्वायर इंटू आर, ये डीसी पावर होगी. तो अब बताओ क्या बना, आर से आर कट गया, ये आर स्क्वायर बनेगा ना, ये आर कट जाएगा, देखो नीचे एक आर आएगा और यहाँ पे भी नीचे एक आर है, वीएम स्क्वायर से वीएम स्क्वायर कट गया. तो बताओ ऊपर क्या बना, 4π स्क्वायर, तो ये है इनटू ये जो 1/2 है, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, तो क्या बना 8π स्क्वायर, कितना बना बताओ, 81%. इसका मतलब इस बार जो टोटल पावर जाएगी आउटपुट को, जो पावर मिलेगी उसका 81% डीसी होगा. सही बात है, 81% उसका डीसी होगा. बहुत अच्छा, ये था मेरा रेक्टिफायर एफिशिएंसी. नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे और चलते हैं. ठीक है, रिपल वोल्टेज मैंने निकाल दी, रिपल फ्रीक्वेंसी यहां पे डबल है, यहां पे एक पीरियड में दो बार ऊपर नीचे हो रही है, तो इसका था रिपल फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या है, डबल है. रिपल फ्रीक्वेंसी मेरी यहां पे डबल है. रिपल फैक्टर क्या होगा, अगेन फॉर्मूला वही है, रिपल फैक्टर क्या होगा बताओ जरा, रिपल फैक्टर रूट ऑफ बोलिए क्या था, वी आउटपुट की आरएमएस का स्क्वायर अपॉन वी नॉट एवरेज का स्क्वायर माइनस वन, यही था ना मेरे ख्याल से. ठीक है भाई, यही आया था पिछली बार भी, बोलिए. ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ये मेरा रिपल फैक्टर है. ठीक है, नेक्स्ट जरा आगे देखें, रिपल फैक्टर आ गया. एक और चीज देखिए,
अच्छा रिपल वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या आएगी? वी आर। बताइए आरएमएस वैल्यू क्या आएगी? वी नॉट आरएमएस का स्क्वायर माइनस वी नॉट एवरेज का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला यार, ठीक है। ये मेरी रिपल वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आएगी, इसकी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिपल वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस डायोड वो जरा देखते हैं। तो मैं इधर रब कर दूं भाई, ये वाला रब कर देता हूं, ठीक है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा देखना, उससे मैं पीक इनवर्स वोल्टेज निकालूंगा। अच्छा इसमें अच्छी बात क्या है सुनिए, इसमें अच्छी बात यह है कि सप्लाई साइड को से वोल्टेज भी प्योर साइन वेव और करंट भी मेरा प्योर साइन वेव, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगा। आगे इसको पावर फैक्टर यूनिटी नजर आएगा, सही बात है। तो चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस डायोड, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं। वोल्टेज अक्रॉस डायोड कोई भी D1 D2 देख लो, कुछ भी देख लो। तो आप बोलो पहले D1 D2 कंडक्ट कर रहे हैं तो वोल्टेज क्या रहेगी बताओ जरा? जीरो वोल्टेज रहेगी, जीरो। उसके बाद बोलिए, उसके बाद है D3 D4। तो जिस टाइम D3 D4 कंडक्ट कर रहे होंगे उस टाइम D1 D2 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी? कोई भी एक के अक्रॉस देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले जरा सर्किट बनाते हैं जिस टाइम D1 D2 कंडक्ट कर रहा है। मैं इसको रब कर दूं एक मिनट के लिए, ठीक है। देखिए जिस टाइम D1 D2 कंडक्ट कर रहा है उस टाइम सर्किट क्या होगा वो जरा देखते हैं। तो देखिएगा सर्किट क्या बनेगा, ये सर्किट है, ये था मेरा D1 और ये था मेरा D2, है ना, ये था D3, ये था D4, ऐसे था क्या? बोलो भाई। और ये मेरी आउटपुट थी। अब सुनो जिस टाइम D1 D2 ऑफ है उस टाइम कौन कंडक्ट कर रहा है? ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। तो मुझे एक बात बताइए यहां की वोल्टेज क्या होगी D1 के करो? ये VD1 है भाई, क्या होगी VD1 बताओ? ये तो ऊपर वाला ही पॉइंट है पॉजिटिव, नहीं 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 पॉजिटिव पॉइंट कहां गया? एक मिनट, हाँ पॉजिटिव पॉइंट है, सही है। और ये वाला पॉइंट क्या है बताओ जरा? ये नीचे वाला पॉइंट है नेगेटिव, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? VD1 इज सेम एज VIT, क्योंकि VIT ऊपर आ रहा ना ये सारा। तो इसका मतलब सेकेंड हाफ साइकिल में जब कंडक्ट नहीं करेगा, हाँ जी, ना ना D4 सेकेंड हाफ साइकिल में D4 नहीं कर रहा है, मैं सेकेंड हाफ साइकिल को देख रहा हूं। तो D4 और D3 कंडक्ट कर रहे हैं तो उनको शॉर्ट कर दिया मैंने, मैं सेकेंड हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं, तो उनको शॉर्ट कर दिया और इनको ओपन कर दिया। अब मुझे VD1 चाहिए इस पोलैरिटी का, या फिर मुझे इस पोलैरिटी का क्या चाहिए बताओ जरा? VD3 नहीं, VD2 ये चाहिए। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर आप ध्यान से देखो VIT को, तो VIT का पॉजिटिव पॉइंट यहां पे आ रहा है और नेगेटिव पॉइंट यहां पे आ रहा है, इसका मतलब VD1 इज सेम एज VIT। और VIT कैसा है सेकंड हाफ साइकिल में बताओ? नेगेटिव। इसका मतलब VD1 क्या बनेगा बताओ? नीचे बनेगा, नेगेटिव। इसका मतलब रिवर्स बायस रहेगा। सिमिलरली VD2 देखो, VD2 क्या होगा बताओ जरा? जो पॉजिटिव पॉइंट है वो तो ऊपर शॉर्ट हो गया, यहां पे आ गया VIT का, नहीं, और नेगेटिव पॉइंट यहां पे आ गया, इसका मतलब VD2 इज सेम एज VIT, इसका मतलब वो भी रिवर्स बायस होगा। तो मैं ये वोल्टेज बोल सकता हूं VD1 और VD2 एक ही बात है। और उसके बाद फिर से कंडक्ट करेंगे, फिर से 3π तक क्या रहेगा बताओ जरा? जीरो। और उसके बाद फिर से ऐसे ही। तो पीक इनवर्स वोल्टेज बताइए ईच डायोड, हर एक डायोड के अक्रॉस पीक इनवर्स वोल्टेज क्या आएगी? पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू VM। हर एक डायोड के अक्रॉस जो इनवर्स वोल्टेज आएगी उसकी जो पीक वैल्यू होगी वो VM होगी, ठीक है। बोले कोई दिक्कत है तो समझ आया? तो ये मैंने क्या देखा? ये मैंने रजिस्टिव लोड में देखा है, जब मेरा लोड प्योरली रजिस्टिव था विदाउट कैपेसिटर, ठीक है। कौन कब कंडक्ट करेगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, आउटपुट करंट क्या होगा, सप्लाई करंट क्या होगा, ठीक है। बोलिए सप्लाई पावर फैक्टर भी जाने जाने में हमने देख लिया, ठीक है ना।
तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, तो मैं इसको फिल्टर लगाऊंगा विद, मतलब कैपेसिटर लगाऊंगा, विद कैपेसिटर देखेंगे। जो एनालिसिस आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था, वही एनालिसिस अब हम फुल वेव रेक्टिफायर में करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी तो इसको मैं डील करूंगा, तो इसको आप रिवाइज कीजिएगा, इसको आप देखिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। थैंक यू।